आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही जबरदस्त और यमी अंडा पराठा की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आज की हमारी जो रेसिपी है ये बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और यमी है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स अब मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, 1 कप के करीब मैंने आटा लिया है, जो आम घर में गंदम का आटा होता है मैंने वो लिया, आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 1 कप दूध लिया है। नमक आपने हस्बे जरूरत लेना है, मैं 1/4 टेबलस्पून इस्तेमाल करूंगी। 1/2 चम्मच मैं सुर्ख मिर्च पाउडर इस्तेमाल करूंगी। 1/2 चम्मच जो है हम पिसा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टेबलस्पून के करीब हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके साथ 1 छोटी या आधी जो प्याज है मैंने बारीक चॉप कर ली है, और 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें लेकर उनको चॉप कर लिया है। तो चलिए मिक्सचर को रेडी करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस मैदे को जो है हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको कर देंगे हम साइड पर। इसी बॉल में हम अंडे को डालेंगे, अंडे को तोड़कर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अब अंडे को जो है तोड़कर इसके अंदर डाल दिया है। अब हम अंडे को अच्छी से बीट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अंडों को जो है अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज कटी हुई, हरी मिर्चें चॉप की हुई, सुर्ख मिर्च 1/2 चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ, काली मिर्च, नमक टू टेस्ट हम डालेंगे, मैंने 1/4 टेबलस्पून लिया है, और इसके साथ हम हरा धनिया डालकर इसको बीट कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है जैसे, या हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लफी ऑमलेट जो है मिक्सर रेडी हो जाए। ये देखें हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम आटा शामिल करेंगे, थोड़ा सा आटा और बीट। थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे। अच्छा, हमने इसको मिक्स करना है। बचे हुए आटे को कर दूंगी साइड पर। हम लेंगे दूध, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दूध डालेंगे। मैंने अभी बॉइल्ड मिल्क लिया है, आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें पानी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है और ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन वाला होता है। ये देखिए, अभी हमें थोड़ी सी इसकी और कंसिस्टेंसी चाहिए, बस इतनी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रेडी करनी है कि ये अच्छे से तवे पर या पैन में जो है वो फैल जाए। ये देखें, ये इस तरह से हमने एक पतला सा जो अपना मिक्सचर है वो रेडी कर लेना है। देखें व्यूअर्स,
हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। ये इसकी कंसिस्टेंसी लेवल आप देख सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा अंडा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, पकाएंगे। तो चलिए, इसके लिए व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया। आपके घर में तवे पे भी आप इसको बना सकते हो, मैं भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो अंडा पराठा है वो नॉनस्टिक पैन में तैयार होता है। अब हमारा पैन जो है ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, हमने इसको लाइट सा गर्म करना है। एक चम्मच के करीब जो है बिल्कुल हल्का सा हमने घी डालना है। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब हमने इसमें घी जो है वो डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, अपने बैटर को, ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है इसको ऐसे हलाते हुए इस पे हमने डाल देना है। आप चाहें तो इसे किसी पोरिंग स्पून के साथ, जिससे हम दूध या चाय वगैरह डालते हैं, उसकी मदद से भी इसको फैला सकते हैं सर्कल में। फैलाते हुए आपने इसको बिल्कुल गोल रोटी की शक्ल दे देनी है, जिस तरह से आप मैंने दी है। इस तरह से आपने इसको फैला लेना है, और फैलाने के बाद आपने ईच साइड, मैंने आंच जो है वो बिल्कुल दम वाली कर दी है। ये 3 से 4 मिनट लेगा एक साइड पकने के लिए। तो जब तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और आपने बिल्कुल इसको दम वाली आंच पर पकाना है एक साइड को 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो पराठे की एक साइड है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको मैंने 3 से 4 मिनट पकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि इसमें मैदा है। मैदे की जगह, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आप आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसका अच्छे से पकना बहुत जरूरी है। और मैं अब आपको बगैर अभी स्पून यूज किए इसको हलाकर दिखाती हूँ। ये बहुत ईजी से, ये देखें अपनी इसने सरफेस जो है वो छोड़ दी है। अब हम इसको चम्मच की मदद से इसकी साइड जो है वो मैं चेंज करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें मैजिक, बगैर कोई मेहनत के या अपने आप, ये देखें जी, बगैर मेहनत के जो हमारा पराठा है उसने अपने आप जगह छोड़ दी है। और इसको हमने, ये देखें व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पराठे को पलटा, तो जिस तरह हम आम सादा अंडे का ऑमलेट बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसके ये एजेस, कलर और फ्लफीनेस आया है। जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो भी आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि हमने आपको बहुत ही जबरदस्त अंडे पराठे की जो है वो रेसिपी बताई है, शेयर की आपसे। अब हमारा एक पराठा जो है वो पककर तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा पराठा पकाने लगी हूँ। इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, जैसे हमने पहले रखी थी, और अब बचा हुआ सारा जो हमारा बैटर है वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको भी अच्छे से फैला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैटर हमने डाल लिया, अब हम इसको फैलाएंगे। तो आप इसको अच्छे से, बिल्कुल थिन लेयर आपने रखनी है। अच्छा, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ना बहुत ज्यादा थिन लेयर हो ना बहुत ही ज्यादा थिक लेयर हो। मोटी और पतली नॉर्मल होनी चाहिए मोटाई और इसकी जो, ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको लिया फैला, सेम उसी प्रोसीजर से हम इसको पकाते जाएंगे। जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो सेम इसी कलर में, ये देखें जी, अंडे का जो कलर आता है, जो उसकी फोल्डिंग है, जो इसका फ्लफीनेस है, वो सेम इसी तरीके से आता है। तो ये आप जब इसको खाएंगे तो भी आप देखेंगे कि ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी जो हमारे पराठे तैयार होंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा अंडा पराठा जो है बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पककर तैयार हो चुका है। आपने इसको घर पे लाजमी ट्राई करना है, और हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नए वीडियोस और नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।